মুর্শিদাবাদ জেলার শামসেরগঞ্জের ধুলিয়ান ও হরিহরপাড়ায় ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পথসভা ও শীত বস্ত্র বিতরণ। পশ্চিম বাংলার রাজ্য রাজনীতিতে মুসলিম লীগ এক পরিচিত নাম। 70-এর দশকের প্রথম দিকে 7 জন বিধায়ক ও 1 জন এমপি নির্বাচিত হয়েছিল মুসলিম লীগ পার্টি থেকে। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল, ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে মুসলিম লীগ পার্টি। আজকের এই প্রোগ্রামে সুদূর কেরালা থেকে উপস্থিত ছিলেন চিফ গেস্ট হিসাবে এমপি মোহাম্মদ কয়া ও হামিদ মুসা এবং মুসলিম লীগ পার্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত অচ্যুত আনন্দ। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ IUML এর জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হোসেন মোল্লা। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, আমরা এই ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত 1 নম্বর ওয়ার্ডে এখানকার গরিব মানুষদের জন্য কিছু কম্বল আমরা বিতরণ করব। এই বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল, কম্বল আমরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবো। হ্যাঁ, আমাদের তা সেই উপলক্ষে আমাদের ছোট্ট এক সভা। আমরা মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে বিশেষ করে মহেশতলা, তারপরে আপনার মুর্শিদাবাদের বেড়লাঙা, ডোমকল, জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, এই সমস্ত জায়গাতে মিউনিসিপ্যালিটিতে আমরা ক্যান্ডিডেট দেবো। তবে হ্যাঁ, সব সিটে নয়, কিছু কিছু সিটে আমরা ক্যান্ডিডেট দেবো। আমরা তাদের জোটসঙ্গী খুঁজছি, সম্ভব হলে CPM, কংগ্রেস, যাদেরকে পাবো BJP বাদ দিয়ে তাদের সাথে আমরা জোট করেও ইলেকশন লড়বো। আমার নাম মোহাম্মদ আবুল হোসেন মোল্লা, আমি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের ওয়েস্ট বেঙ্গলের জেনারেল সেক্রেটারি। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ সামনে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন হয় না, তো কী পরিকল্পনা হয়? মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন মে হাম লোক লড়না পড়েগা, ये किधर किधर पार्टी को पकड़े तू वो जगह पर, कि हम ये कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लाजिम होना चाहिए। वो पहले दी लास्ट असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा का इलेक्शन में मुस्लिम लीग लड़ा था, लेकिन ये कोविड का वजह से, दूसरा इसलिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसलिए अभी थोड़ा बंगाल में नहीं, ये इंडिया का मुसलमान को पूरा ये अपना सियासत पार्टी का पीछे आएगा तो वो कुछ कर सकते, नहीं तो ये पूरा सेकुलर पार्टी इंडिया में हर स्टेट में है, लेकिन उसमें केरला ओनली ये कोई मुसलमान लोग को, ये पिछले वालों को कुछ मिला है। बाकी हर स्टेट में कितना सेकुलर पार्टी है वो लोग पूरा रूलिंग करता है, लेकिन अभी तक ये 75 ईयर्स हो गया अभी ये आज़ादी का बात, अभी भी उस टाइम मुसलमान का हालत कैसा है, ये पिछले वालों का हालत कैसा है, वो ऐसा कंटिन्यू करता है। इसका मतलब इसको बदली हो गया केरला में, सिर्फ केरला में, केरला में कैसा बदली हो गया, उधर इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग है, इधर ये उत्तर इंडिया का पूरा स्टेट में मुसलमान आबादी बहुत है, ये केरला में सिर्फ 16% है मुसलमान है, मैक्सिमम 20% रहेगा। इधर UP में, बंगाल में, ये आसाम में ये मुसलमान का आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग को कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों? सियासत में ताकत नहीं है, सियासत में ताकत होने का यही है इसका सिर्फ ये सोल्यूशन, दूसरा कुछ सोल्यूशन नहीं है। इसलिए ये बंगाल में आने वाला ये पंचायत इलेक्शन में, म्यूनसिपल इलेक्शन में मुस्लिम लीग लड़ना पड़ेगा, क्यों? ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होएगा तो ये कौम को उसको पाँव पर खड़ा होने के लिए ताकत देने का ये पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर नहीं है तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी इंडिया में ये आज़ादी का पहले हर स्टेट में ये उत्तर इंडिया में मुसलमान का बहुत बहुत बड़ा ये इल्म तालीम के लिए बहुत बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, लेकिन केरला में कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी केरला का शिक्षा में ये मुसलमान सबका साथ है, सबका इक्वल है, कोई
मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग एकदम ऊपर है। इंडिया में नंबर वन एजुकेशन मिला स्टेट केरला है, उसमें हम लोग भी वो लोग का साथ है, यही ये बात।